अर्जुन बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार मुझे भी बहुत तलब लगी। कौन हो तुम लोग? ये है कमिश्नर प्रेमराज और ये है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। शिकार का पीछा करते करते तुम यहाँ भी आ पहुंचे। हमें हुकुम है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पना लेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था माँ। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पनाह दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले माँ? अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दें कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों बिड़ो है? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। खून, कत्ल, डाका जनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है।
मगर मां सच्चाई यह है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या है? भूख, फकाकशी, जिल्लत। तुम्हारे ख्यालत पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी मां, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो, एक दिन उसी की आग में तुम जलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से बिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सड़ने के लिए छोड़ दिया होता। माँ, हमारे रास्ते से हट जा माँ। हमें अपना काम करने दो माँ, वो कहीं भाग ना जाए। चलो अर्जुन। रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत कर माँ, हमने बहुत खून बहते हुए देखा है। पेट के लिए बेटे को बाप का खून करते हुए देखा है, बाप के हाथों माँ का खून होते हुए देखा है, दौलत के हाथों गरीबों का खून होते हुए देखा है, और झूठ के हाथों सच का खून होते हुए देखा है। हमने इतना खून देखा है, इतना खून देखा है माँ, कि अब खून की कीमत पानी से भी सस्ती लगने लगी है। और फिर किस खून की कसम देकर तुम हमें रोक रही हो? आज के बाजार में खून की कोई कीमत नहीं रही मां। जहां लोग खून बेचते हैं और रोटी खरीदते हैं, जो चीज बिक जाती है उसकी कसम नहीं दी जाती। तुम खून चाहते हो, तुम इसका खून चाहते हो। अच्छी बात है, ये मेरे खून की रेखा है, पहले इसे पार करो फिर इसका खून करो। चाहो तो इसे रोंद के निकल जाओ। आओ बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। रुक जाओ, उस पाप की दुनिया में मत जाओ।